पॉपुलेशन सो नॉर्मली के सेक्टर पॉपुलेशन इज दैट पॉपुलेशन इन विच द पॉपुलेशन इवॉल्ड अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपैसिटी ये एक ऐसी पैटर्न है जिसमें जो पॉपुलेशन जो, जो अपने साइज़ में जब इंक्रीज़ हो रही है तो वो कैरिंग कैपैसिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी मीन्स अगर एक स्पेसिफिक कैरिंग कपैसिटी है तो जैसे ही शुरू में ग्रोथ फास्ट होगी जैसे ही कैरिंग कैपैसिटी करीब पहुंचे तो ग्रोथ आहिस्त आस्ता स्लो हो जाएगी और फिर वो कैरिंग कैपैसिटी की पैरालल हो जाती है तो ये जो पैटर्न है जिसके अंदर जो एनिमल्स जो होते हैं दे इवॉल्व दे इवाल पॉपुलेशन इंक्रीज अकॉर्डिंग कैरिंग कैपेसिटी इसको हम क्या कहेंगे इट इज द के सिलेक्ट क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी को हम के के से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए द कैरिंग कैपेसिटी दो पॉपुलेशन इवॉल्व अकॉर्डिंग केलेक्टेड पॉपुलेशन तो के सेलेक्टेड पॉपुलेशन आर एक्चुअली रेगुलेटेड बाई डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स डेंसिटी डिपेंडेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे इसको रेगुलेट करेंगे वट आर द करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ के सेलेक्टेड पॉपुलेशन के सेलेक्टेड पॉपुलेशन में अगर हम इसके करेक्ट्रिस्टिक देखते हैं तो दे आर लॉन्ग लिव्ड एनिमल्स ये ऐसे एनिमल्स जो तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम सर्वाइव करते हैं दे मैचोर स्लोली वो आहिस्त आहिस्ता क्या करते हैं कि वो मेचोर करते हैं उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता है लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उनका जो है वो रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो क्या होता है कि वेरी स्लो होगा एंड सिमिलरली इन दोज एनिमल देयर विल बी मोर Parental care, पेरेंटल केयर उनके अंदर पेरेंटल केयर जो है वो ज्यादा होगी तो अब जो कि एनिमल्स स्लोली ग्रो कर रहा है स्लोली रिप्रोड्यूस कर रहा है मेच्योर स्लोली हो रहा है तो इसके बाद मेच्योर होने के बाद ऑफ स्प्रिंग्स जब एक यंग वन पैदा होता है तो एनिमल्स फौरन अगले यंग वन को प्रोड्यूस नहीं करना शुरू करते बल्कि उसकी क्या करते हैं केयर करते हैं अब इसी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो स्लो होगी और वो कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो चलेगी इस एग्जाम्पल्स हमारे पास देर इज द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो हैं दे फॉलो द के सिलेक्टेड ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन सेलेक्टे इन दोनोट द नेचुरल सिलेक्शन प्रमोट द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत रैपिडली होती है तो इस वजह से जो एनिमल्स दे आर नॉट इंक्रीजिंग देर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द

सो so, अभी जैसे हमने कहा कि द एनिमल्स जो हैं आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन में वो अपने मैक्सिमम रेट के साथ क्या करते हैं ग्रो करते हैं मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को यूज़ करते हैं तो हम कह सकते हैं दे हैव मैक्सिमाइज दे आर बायोटिक पोटेंशियल अपना जितना भी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं दे रिप्रोड्यूस वो क्या करेंगे रिप्रोड्यूस करेंगे सो वाट आर दी करैक्टिस ऑफ दी पॉपुलेशन अब वो कौन सी पॉपुलेशन अगर हम करैक्टिस देखते हैं तो नॉर्मली के सेलेक्टेड के मुकाबले में इनके जो है वो ऑलमोस्ट अपोजिट हैं नंबर वन जैसे हमने के सेलेक्टेडली कहा है कि वो स्लोली रिप्रोड्यूस करते हैं आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन इट रिप्रोड्यूस क्विकली उसके बाद के सेलेक्टेड पॉपुलेशन स्लोली मेच्योर होती है आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन मैचोर रेपिडली के सेलेक्टेड पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ हॉप स्प्रिंग जो लेस नंबर ऑफ हॉप स्प्रिंग पैदा होते हैं जबकि आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन के अंदर मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, आर में इंडिविजुअल पैदा करने की सलाह क्या है ज्यादा ज्यादा इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इन केस सेलेक्टेड पॉपुलेशन देयर इज मोर पेरेंटल केयर वाइल के साथ आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन देर लेस पेरेंटल केयर तो जब लेस पेरेंटल केयर होगी मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रोडक्शन पर गुजरेगा रिपोडक्शन रिप्रोड्यूस होने वाले जल्दी मेच्योर हो जाएंगे तो रिजल्ट यह होगा कि वो पॉपुलेशन बड़ी रेपडली बलूम करेगी एक्सपोनशियली क्या करना शुरू कर देगी ग्रो करना शुरू कर देगी एक एग्जाम्पल्स हमारे पास दे आर द इंसेक्ट्स हैं अब आर सेक्टर पॉपुलेशन की एक और इम्पोर्टेंट थिंग ये भी है कि वो दे क्विकली डिस्पर्स इन द इन्वायरमेंट वो एन्वायरमेंट के अंदर तो ज्यादा रेपली डिस्पर्स करने की सलाहियत तो रखते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा इन्वायरमेंट के अंदर तो क्या तो तो करते हैं वो एक्सेस अपने बनाते हैं